की बात की शुरुआत भारत के नए महामहिम की खबर के साथ। द्रौपदी मुर्मू की जीत का थोड़ी ही देर में औपचारिक ऐलान होगा। वोटों की गिनती आखिरी दौर में चल रही है। द्रौपदी मुर्मू को अब तक 4,83,299 वोट वैल्यू मिल चुकी है। जीत के लिए 5,43,216 वोट वैल्यू चाहिए। राजधानी दिल्ली से लेकर उड़ीसा तक जश्न का माहौल है। इन तस्वीरों को देखिए, आनंद लीजिए। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही है द्रौपदी मुर्मू। बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में उनका जन्म हुआ और वहां से लेकर रायसीना हिल्स तक का सफर कोई एक दिन में तय नहीं किया। एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर उनका रहा और उसके बाद आज वो देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, द्रौपदी मुर्मू को अब तक 4,83,299 वोट वैल्यू मिल चुकी है। जीत के लिए 5,83,216 वोट वैल्यू चाहिए, यानी सिर्फ 59,917 वोट वैल्यू और चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को 1,79,876 वोट वैल्यू मिला है। बस सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार। ये तस्वीरें आप देखिए, जम्मू, मंदसौर, दिल्ली, सोनभद्र, भुवनेश्वर, रांची, हर तरफ जश्न का माहौल। देश को 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है और एक आदिवासी महिला इस पद पर आसीन होने जा रही है। ये अपने आप में एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण। और देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों के अंदर जश्न देखने को उत्साह मिल रहा है। और हम आपको बता दें कि ओडिशा के मयूरभंज में मुर्मू के परिवार से, द्रौपदी मुर्मू के परिवार से बात की हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल ने। सुन लेते हैं एक बार। जीत की खुशी क्या होती है वो हर परिवार समझता है जिसके परिजन को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने का मौका मिला हो, और वो भी तब जब एक आदिवासी महिला ने ये इतिहास रच दिया हो। और खुशी का माहौल इस समय ऊपरबेड़ा गांव में क्या है, जहां उनके सारे परिजन हैं द्रौपदी मुर्मू के। बधाई हो भाई, अब राष्ट्रपति बनने की खुशी क्या है, माहौल कितनी खुश? हाँ, बहुत खुश माहौल है अभी। वो जीत गए तो बहुत खुश है हम लोग। टूडू जी गाना गा रही थी, दो दिन से लगातार खुश हो रही थी, अब लग रहा है शांति हो गई। बहुत शांति हो गई है। सरस्वती जी बुआ हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आज के लिए कितना बड़ा दिन, इस जीत की खुशी का सहरा किसके लिए? हाँ, बहुत खुशी है, हम लोग सभी बहुत खुशी है, बहुत गर्व। और उसके पूजा पाठ के साथ जब इतनी बड़ी खुशी मिल जाती है तो कैसा लग रहा है? हम लोग को आज बहुत खुशी लग रहा है कि दीदी को जो चाहिए था वो मिल गया, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। खुशी का मतलब क्या बोलूँगा, खुशी तो नहीं दिखा सकते हैं, इतना खुशी है हम लोग। जो जितना दिखा सकते हैं उतना ही दिखा रहे हैं। अंदर से तो बहुत खुश है, तो दिखाने वाला चीज़ ही नहीं है जो दिखा देंगे आपको। आज का दिन बड़ा दिन है, खुशी का माहौल एकदम, बहुत खुशी। पड़ोसी हो गए अब आप? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है, और हमको भी खुशी लग रहा, गाँव को भी खुशी लग रहा, देश को भी खुशी लग रहा है। सबसे पहला बात क्या पहुँचाएंगे अगर दीदी को बोलना होगा तो? दीदी को अगर पहुँचाना तो एक गाना तरीका से हम पहुँचा देता है। यही देशो यही माटी देह मोर जीवन तार पानी पवन रे गोढ़ा मोर जीवन। देश अपनी माटी यही बता रही थी। तो ये द्रौपदी मुर्मू के गांव ऊपरबेड़ा से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। बड़ी आबादी ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब,
मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।